वरुण का नोट करो, बीएससी शुड कन्वर्ट या बस टू एनी बस। रोटी मैडम खड्डे किती आहेत यार, चाय आहे पिला, वी डोंट हैव टाइम टू नाही, चला इकडे दे नाश्ता आणि चाय इकडे। इनका दोनों का ही बाबा चल रहा है थोड़ा, सुन सुन थोड़ा। हाँ यस यस स्टडी करवाने के लिए प्रपोजल भेजा। साइकिलिंग कहाँ पर है? साइकिलिंग मेन गेट पे कम ऑन दिसमें रोड बिकम वेरी एंड क्वालिटी एक मिनट दादा जाते के। गाड़ी चालू हो गया। 29 का झेंडा दाखवणार मुरलीतून सगळं कोकणात जायचं। सोमवारचं पूर्ण केलं साहेबांनी, एकदम युद्ध पातळीवर काम झालं, पुढच्या 10 तुम्हाला वृक्षारोपण के लिए अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। थोड़ा पीछे रहेगा सर, सर 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 तुम्ही त्या साइडला सर, लेफ्ट राइट साइडला दिसणार तुम्ही। एक मिनट दादा, भारत माता की जय, गणपती बाप्पा। मैम आप थोड़ा इधर आइए, अभी ट्रेन हो रही है, एक थोड़ा सा पीछा ठीक है। आपका एक नंबर ही काट रहा था, डायरी 3 की भरी अभी। रोज होते हैं, रोज 7:30 गणेश नंतर सांगत नाही पीयूष ना, कष्ट झालं आता झालं ना, थोड्या वेळापूर्वी झालं। अरे केलं ना 7:30 करून आपण, तू सांगितलेलं दिलीप ऐकतो म्हटल्यावर तेवढं आणि सुरुवात ते आई पण त्यांचं संजय गांधी नेशनल पार्क में। वैसे तो मैं सुबह घर से निकल के लिए वॉक के लिए आया था, लेकिन चलते चलते कई सारी चीजें ध्यान में आई। मुझे आनंद है कि फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स भी आ गए और हमने बड़े विस्तार से इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के विकास की चर्चा की, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए समयबद्ध तरीके से कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मुंबई में पानी की समस्या वर्षों वर्षों से चल रही है। यहाँ पे तुलसी लेक है,
विहार लेक है और इन लेक्स का पानी ही मुंबई में अधिकांश सेवा देता है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि बीएमसी और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मिलके इस पानी का पूरा इंस्पेक्शन करें, स्टडी करवाएं और सिल्टिंग का जो वर्षों में पानी में नीचे सिल्टिंग हुई होगी जिसके कारण कैरिंग कैपेसिटी लेक की कम हुई होगी उस पे विशेषकर ध्यान देके योजना बनाई जाए कि सिल्ट निकाल के दोनों लेक्स की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उससे इस समस्या का समाधान हो सकता है मुंबई वासियों के लिए, मुंबईकरों के लिए। साथ ही साथ क्षेत्र में काफ़ी पानी जो बरसता है बारिश में वो बह जाता है पार्क के बाहर। हमने चर्चा की है कि कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके वाटर कंजर्व किया जाए जिससे जो पानी यहाँ बरसता है वो इसी प्रांगण में 106 एकड़ का 106 स्क्वायर किलोमीटर का प्रांगण है इसमें वो पानी संभल के रहे। थोड़े और अमृत सरोवर बने यहाँ और यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को और फायदा हो सके। लगभग 20 लाख लोग सालाना यहाँ पे आते हैं उनकी सेवा में और उनको यहाँ का जो अनुभव है वो और अधिक रोमांचक बनाने के लिए आज कई सारे और प्रकल्प के ऊपर चर्चा हुई है। आगे आने वाले दिनों में इस पे हम तेजी से, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते ही हैं तीसरी टर्म में 3 गुना तेजी से काम होना है, 3 गुना बड़ा काम होना है, ज़्यादा काम होना है और 3 गुना लोगों की सेवा ज़्यादा करनी है। उसी हेतु आज काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं यहाँ लगातार आते रहूँगा और इसका कायाकल्प आप अवश्य देखेंगे। सर एक पॉलिटिकल सवाल है, महाविकास आघाड़ी ने कल भारत बंद का ऐलान किया, उसमें कोई सवाल मतलब नहीं। और इधर क्या है कुछ सर, वाइल्ड लाइफ पे भी कुछ चर्चा हुई है जिस तरह से यहां वाइल्ड लाइफ? आज बड़ा आनंद आया जिस प्रकार से इन्होंने करीब करीब 45 लेपर्ड यहाँ पे रखे हैं। लायंस भी हैं, मेल का मेल लायन, फीमेल लायन और साथ में कब्स, अभी अभी 3 बच्चे भी पैदा हुए हैं लायंस के, टाइगर हैं मेल फीमेल और कब्स, टाइगर के अभी अभी बच्चे भी कब्स भी पैदा हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार का फ्लोरा फौना एनिमल्स के बारे में चर्चा हुई, एक प्रकार से ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में संजय गांधी नेशनल पार्क आगे और काम करे, उसके लिए कुछ और टाइगर्स लाना, कुछ और यहाँ वाइल्ड लाइफ लाके इस एरिया को अट्रैक्टिव बनाना, उसके लिए भी चर्चा हुई है। एक यहाँ पे गांधी टेकड़ी है, गांधी टेकड़ी के इर्द गिर्द एक टॉय ट्रेन चलती थी पहले, कई वर्षों से बंद है, उसका काम भी जल्दी शुरू हो और साल भर में वो काम करके हम फिर एक बार यहाँ पे टॉय ट्रेन शुरू करें जिससे बच्चों को भी आने में आनंद आए, ये भी काम आज चर्चा हुई है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।